हेलो गाइस, मैं हूँ कामनी और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल कामनी सिंह पे। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ और बिल्कुल फुर्सत में आई हूँ कि आज मुझे आप लोगों से बात करनी ही है। टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम दिया, उससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। सो आप लोग श्योर हो चुके हो तो थोड़ा सा सब्र रखिए और वीडियो का एंड तक देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उससे पहले रात को मैंने बनाए थे कुछ पकौड़े, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए पहले वो पकौड़े देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे फुर्सत में बात करते हैं। बट हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जिन लोगों ने जो भी कमेंट किया है ना, उन सबका आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए देखें। तो गाइज, आज हम बना रहे हैं घिया और आलू के पकौड़े, स्पेशली घिया के पकौड़े। आलू तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे इसमें। एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था घिया का पकौड़े खाने का, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला ठीक है बना लो। तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने शेयर किया। मैंने क्या किया, घिया और जो आलू है उसको छील के और काट लिया था गोल गोल, और उसको थोड़ा सा पानी में डाल के और थोड़ा सा नमक डाला हुआ था उसमें, हल्का सा उसको उबाला था, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पर उसका जो मसाला है बेसन वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन लिया, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल लिया। उसके बाद मैं किसी भी पकौड़े में ना अजवाइन जो है उसे ज़रूर ऐड करती हूँ, तो दोनों हाथों से मसल के इसलिए डाला ताकि इसकी खुशबू अच्छी है। और ये मैंने जिंजर और गार्लिक और थोड़ा सा इसमें जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना रखा है वो डाला, और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला ऐड कर लिया। मैंने सूखी लाल मिर्च इसमें नहीं डाली, इसलिए कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। रीज़न ये ताकि पकौड़े का जो कलर है वो अच्छा है, इसलिए कश्मीरी मिर्च ही सिर्फ मैंने यूज किया है यहाँ पर। और अब हम इन सबको मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें पेस्ट पे ये ध्यान देना है कि बिल्कुल पतला ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गाढ़ा करना है। और ये जो आपने देखा ना, ये मैंने थोड़ा सा आटा डाला, और ये मेरा सीक्रेट है पकौड़े का। इससे ना जो आलू है उसके ऊपर जो बेसन लगेगा वो फटेगा नहीं, बिल्कुल प्लेन और सुंदर सुंदर से पकौड़े होंगे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आटा ऐड किया। और अच्छे से घोल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया, और अब ये हमारा पेस्ट तैयार है और अब हम पकौड़े को तलेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले घी के पकौड़े को तल लूंगी। हाँ, घिया मीन्स लौकी, बहुत लोग इस घिया को लौकी भी बोलते हैं, तो इसको तल लूंगी। और उसके बाद आलू के जो मैंने काट रखे थे उसको तल लूँगी, और फिर उसके बाद गर्मा गर्म हमारा पकौड़ा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा फूला फूला सा पकौड़ा हो रहा है। तो आप लोग भी खाइए और आनंद लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना था आप लोगों का पकौड़ा इस तरीके से बनाने पर। आप लोगों को पकौड़े कैसे लगे, अच्छे लगे ना? आप लोग भी घर पे बनाइएगा, खाइएगा, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जिस तरीके से बताया इस पकौड़े को बनाना, उस तरीके से इजी था या नहीं, और कैसा उसका टेस्ट था, ठीक है? क्योंकि मुझे आप लोग कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और मैं आप लोगों की कोशिश करती हूँ कि जो भी आप पूछो मैं उस कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो हमारा मेन टॉपिक है आज का कि निक्की मेरे वीडियो में क्यों नहीं आती, या फिर मोस्टली क्वेश्चन ये भी होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के वीडियो में क्यों नहीं आते। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आप निक्की को हाइड कर देते हो कैमरे से, जब भी वो कैमरे में आने वाली होती है मैं हाइड कर देती हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वरना इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि मैं जब भी कोई ब्लॉग बनाती थी, जो भी वीडियो बनाती थी, उसमें निक्की को ज़रूर लेती थी। ऐसा जितना पॉसिबल हो पाता था वो मेरे वीडियो में ज़रूर आती थी, बट अब नहीं। तो इसका रीज़न तो हो ही सकता है ना, तो वो तो रीज़न मैं आप लोग बताऊंगी, बट सबसे पहले मैं ही आप लोग को बोल दूँ कि आप लोग ना अपने दिमाग से क्या बोलते हैं उसे, मतलब नेगेटिव जो बात है ना उसे आप लोग निकाल दो। मेरी वीडियो में निक्की का नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि निक्की मेरे वीडियो में आती है तभी मेरा वीडियो चलता है। क्या ये सच है?
निक्की मेरे ब्लॉग में आएगी तभी आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, बट हाँ मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, मेरे कंटेंट देख रहे हो, मेरी एक्टिविटी देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो या कोई भी रेसिपी कुछ भी किसी भी तरीके का वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये हो कि आप मुझे पसंद करते हो इसलिए मुझे देखते हो, ना कि निक्की मेरे वीडियो में आती है इसलिए आप लोग देखते हो। ये मेरी सोच है, आपकी क्या सोच है वो मैं कमेंट में जानना जरूर चाहूंगी। दूसरी बात कि मुझे अब तक ये लगता था कि हाँ वो वीडियो में आती थी तो मेरा वीडियो थोड़ा ज्यादा व्यूज जाता था, अकेले बनाती हूँ थोड़ा कम जाता है। तो मेरा जो मानना था या मेरी जो सोच थी वो ये लगता था कि आप लोग मतलब कि जो देवरानी जेठानी उनका बॉन्ड देखना चाहते हो, तो वो दोनों एक साथ कैसे लगती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर निक्की सोशल मीडिया पर नहीं होती, उसका अपनी कोई आईडी नहीं होती, वो यूट्यूबर नहीं होती, तब भी आप लोगों को इतना ही मजा आता हम दोनों के साथ में वीडियो देखने में, ये बात सच है कि नहीं ये बताओ पहले आप लोग कमेंट करके, ठीक है। और मैं अभी तक यही बात सोचती थी, लेकिन जब मुझे पर्सनली ये चीज़ कमेंट किया गया ना कि वो मेरे वीडियो में आती है, निक्की मेरे वीडियो में आती है, तो ही मेरा वीडियो वायरल होता है या आप लोग देखते हो। चीज़ देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, मुझे कितना प्यार देना चाहते हो, मुझे कितना सपोर्ट करना चाहते हो। तो प्लीज मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो, जो भी लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की पसंद और सोच अलग होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो मेरे दम पे, क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था वो अपने दम पे किया था। फर्स्ट मेरा वीडियो जब मैं मायके गई थी, आज वो 1.5 लाख तक चला गया है उसका व्यूज, आई थिंक ज्यादा ही चला गया होगा, मैंने देखा नहीं है काफी टाइम से उस वीडियो को कि कितने व्यूज गए। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था ना, वो तो मेरा ही वीडियो था, तो आप लोग मुझे पसंद करते थे, मुझे देखना चाह रहे थे। तो अभी भी देखो आप लोग मुझे कमेंट करो, आप लोग पूछो मुझसे और बताओ मुझे कि हाँ आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, क्या कंटेंट लाऊं मैं आप लोगों के लिए, मैं वो सब करूंगी आप लोगों के लिए। कि मैं निक्की हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, अपने घर में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत हैप्पी है, एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहते हैं। हमें मुझे बस अपना चैनल जो है मुझे उसका उसको ग्रो करना है, उसको अपना चैनल ग्रो करना है, मेरे अपने ऑडियंस होने चाहिए, उसके अपने ऑडियंस, हम दोनों अपनी अपनी अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के वीडियो में आके और आप लोगों को एंटरटेन करें, नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि हम अपना अपना वीडियो बनाएं और उस चीज़ को आप लोग पसंद करो। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ घर में कुछ पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी कोई भी ओकेजन है, तो उसमें तो सब एक साथ दिखेंगे ही, तो उसमें दिख गए वो बात एक अलग है, बट एक ये कि मैं उसको लेके ही आऊँ। आप लोग हमेशा मुझे, यहाँ तक कि आप लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ वीडियो बनाऊँ, मैं उसके साथ ये कमेंट करते हो ना कि एक दूसरे से ये दोनों जलती हैं, एक काम करती है दूसरा बैठी रहती है, उसको प्यार करती है उसको नहीं करती, मतलब क्या क्या आप लोग बातें बोलते हो, बातें बनाते हो, पता है ये क्या है, ये हमारे घर में आग लगाना है। मेरे निक्की की बातें करते 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 आप लोगों ने मम्मी को भी बीच में घुसा दिया। चलो ठीक है, मम्मी को बीच में घुसाया ना, मम्मी ने भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है और मेरे ही चैनल पे वो बहुत जल्द आने वाला है। चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके लाइक करो, इस वीडियो को वायरल करो, ताकि जो लोग भी मेरे इस वीडियो पर जो मेरे वीडियो पे या निक्की की वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करते हैं उन तक इसका चला जाए जवाब, और वो आज के बाद आगे से बोलने से पहले एक बार के लिए सोचे कि हाँ सच में वो क्या कर रहे हैं। ये जो काम को लेकर हमेशा आप लोग मुझे बोल देते थे ना, आप ही बस काम करते रहो, उसको बेड रेस्ट था, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो ये कमेंट नहीं आएगा ना कि हाँ वो क्यों नहीं काम करती थी, बट फिर भी वो काम अब करती है। ऐसा नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना बार बार कि दी आप दोनों एक ही साथ वीडियो डाल देते हो तो हम कन्फ्यूज जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम किसका वीडियो देखें किसका नहीं देखें, या एक एक करके देख लो, जिसका पहले आता है उसका देख लो, फिर दूसरा जिसका आता है दूसरा देख लो। इतनी बड़ी थोड़ी ना वीडियो होती है, पूरा दिन लग जाएगा देखने में, और इंटरेस्टिंग वीडियो होती है दोनों की ना, वो अपने काम में अलग एक्सपर्ट है, मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं अपना नहीं कह सकती, वो एक्सपर्ट है मुझे पता है, मैं अपना नहीं कह सकती, फ्लो फ्लो में कह दिया, वो तो आप लोग बताओगे। सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी जो मेरे वीडियो को, मेरे काम को इतना सराहते हैं, वो कहते हैं हमेशा कि दी आप जो कंटेंट लाते हो ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। और स्पेशली उन लोगों को भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि जो मुझे मुझे कमेंट करके बताती हैं कि दी आप ना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से वीडियो बनाया करो, ये कंटेंट लाया करो, आपका वीडियो बहुत चलेगा, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी बात छुपाया ना किसी ने तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहा होगा,
ये बात तो अब आप लोगों को क्लियर हो ही गई है। तो ऐसे उसकी बात मेरे चैनल पे, मेरी बात उसके चैनल पे, ये पूछना गलत है। क्योंकि अब तक आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि निक्की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, मैंने कभी नहीं बताया। आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कभी भी नहीं पता चला होगा कि निक्की प्रेग्नेंट है। बाद में अभी एक उसकी, जब उसने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस किया, उससे पहले एक जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बाबू ने बोल दिया था, और वो गलती से मैंने सुना नहीं था, एडिटिंग में उसे काट नहीं पाई थी, ये नहीं बताया था। और अगर कोई भी बात होगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर नहीं शेयर कर रहे तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। और वो तो कहते हैं ना, सच हो या झूठ हो, सही हो गलत हो, कुछ भी हो, एक दिन सामने आ ही जाता है तो सामने आ जाता है, तो इतना थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। हाँ, और अब उसने बता दिया आप लोगों से कि वो प्रेग्नेंट है, तब आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हो कितने महीने की प्रेग्नेंट है। वॉट इज दिस, ऐसे कौन करता है यार? अगर उसने आप लोगों से ये बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देगी वो कितने मंथ की प्रेग्नेंट। नहीं बताया, कुछ उसने सोचा होगा किसी और तरीके से आप लोग को एंटरटेन करने के लिए, किसी और तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों से वो चीज़ बताने के लिए, तो वो खुद बता देगी। लेकिन हाँ, एक और बात बोलूँगी कि इसके आगे ना बहुत जल्द बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं, सो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करो, और साथ में जो हमारा वीडियो आने वाला है हम तीनों का साथ में, देख लो उस वीडियो को। आपका सारा कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन क्या दूर होगा, आप लोगों के किसी ने ऐसा सवाल किया है ना कि मम्मी ने उसका बहुत तगड़ा जवाब दिया है, तो वो आप लोगों को तो देखना और सुनना बनता है, तो वो लोग जरूर देखना। और एक और बात कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे बार बार कि दी आपकी तबीयत को क्या हो गया है, तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताओ क्या हुआ था स्पेशली। तो मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों इतनी बीमार हो गई थी। अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, बट थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए सामने आ रही हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये मैं अभी तुरंत बना के तुरंत डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने इतनी जल्दी वीडियो बनाया और इतनी जल्दी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी तबीयत खराब हो रही है। वैसे ना मेरे दो तीन वीडियो पेंडिंग है और वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए कमेंट मत करना कि लेट क्यों शेयर किया, क्योंकि बीमारी की तबीयत खराब होने की वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी, और अभी ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो मैं ये वीडियो सोच रही हूँ कि शेयर कर दूँ, और उसके बाद उसके आगे वो सारे वीडियो शेयर कर दूंगी। तो उसको भी आप लोग वैसे ही प्यार देना, और हमेशा आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिए, और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे पसंद करते रहेंगे, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे बहुत जल्द मेरा 50, कोई कोई तो ये कह रहा है कि 100 के होने वाला है, तो मेरा तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।